और कितने तो जगह ही ना है। प्रज्ञा यादव जो हमारे पति जी प्रातः श्री मुकेश यादव जी की सुपुत्री हैं, व्यास पीठ को सम्मान किया भगवान, बेटी को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। हम दो शब्दों में अपने साथियों का परिचय देते हुए उसके बाद आरती कराएंगे, क्योंकि माताएं बहनें बहुत जल्दी कर, क्योंकि समय भी काफी हो गया। बेचारे 12:30 बजे करीब आ गई थी यहाँ 12:30 बजे और 6:15 होने जा रहे हैं। तो अति संक्षेप में अपना अपने साथियों का परिचय देते हुए दो शब्दों में के साथ दिवस गए पीप भ्राते मैं तुम सबको कथा सुनाई और ग्राम जखेरा के पट्टन ने मेरे भूबई के लुबनाई इतना बड़ा अनुष्ठान रचने का संकल्प लिया था सत्रोज में, जो माता आज संपन्न हुआ और इनके समस्त परिवार ने समस्त रिश्तेदारों ने बहुत ही प्रेम और स्नेह दिया। हमारे प्रधान जी इस ग्राम पंचायत जखेरा महेशपुर के वर्तमान प्रधान सतवीर सिंह यादव जी बहुत स्नेह और बड़ा प्रेम दिया। इनके बेटा नरेंद्र यादव कुलदीप यादव जी और हमारे मास्टर साहब के छोटे भाई श्री श्याम प्रेम सिंह यादव जी, जो आप लोगों के दानदाताओं की सूची उनके पास में गई, नाम बोलते गए, अपना कीमती वक्त निकाल के कथा प्रांगण में समय दिया। प्रकाश यादव जी, जो श्याम प्रकाश श्याम बाबू भक्तों और कितने नाम के नाम, नाम तो काफी है। सुषपाल सिंह यादव, राम लड़े थे यादव, भूप किशोर यादव, भूरे यादव जी, दरोगा जी कुलपान सिंह यादव, भूपेंद्र यादव जी, इनके समस्त परिवार ने समस्त ग्रामवासियों ने रिश्तेदारों ने बहुत ही प्रेम और स्नेह दिया। मैं जिसका सदा ऋणी रहूंगा और हमारे प्रधान जी ने बहुत स्नेह प्रेम दिया। यहाँ के समस्त भाइयों ने, माताएं बहनों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ के बच्चों ने बड़ा प्रेम स्नेह दिया। तो मैं माताओं और बुजुर्गों से ये क्षमा मांगता हूँ, अगर कोई जाने अनजाने में गलती बनी हो, भूल बनी हो, तो माताएं और बुजुर्ग अपना बेटा समझ के माफ करेंगे, भाई और बहने अपना भाई समझ करके माफ करेंगे। कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं केवल आप लोगों का सेवक हूँ, आप बुजुर्गों के श्री चरणों का आशीर्वाद है केवल। पर पाल ने
कह रहा हूँ सौगंध उठा करके। वैसे अप डाउन घर से ही हमारा होता है, लेकिन यहाँ आकर के सात दिन समझ में नहीं आए। बहुत प्रेम उसने दिया। हमारे प्रधान जी के हमारा निवास रहा, हम लोगों का बसेरा रहा कार्यालय पर। गांव के लोगों ने शाम सुबह 4 से 10 लोग वहां पर उपस्थित रहे। बहुत उसने प्यार दिया, मैं हृदय से उनका, अब नाम तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यासपीठ के माध्यम से दे रहा हूँ। पति की सेवा के लिए रसोई के बारे में आपको समझाया, समझाने का काम हमारा। मानना या न मानना मुझ तुम्हारा, पूर्व मत मानना माता। कुलदीप यादव जी ग्राम नंगला महान से, रमेश शर्मा जी मटका बजा रहे, श्याम पाल जो राजपूत जी जिनके कर कमलों के द्वारा जो यहाँ पर मधुर चिंता की बात की, जो सुबह की मीटिंग में कथा सुनाई, वो हमारे प्रिय शिष्य श्याम सुंदर शास्त्री जी फरुखाबाद के निवासी हैं, और जो सुबह यज्ञ रचाया आर्य, जो दिनेश आर्य गुरकुलेटा से आसेपुर के निवासी हैं, और साउंड प्रसाद दिया हमारे सुकुमार भाई संदीप भाई जी, और कैमरा में आपके यहाँ का जो डाटा रिकॉर्ड किया है, कार्यक्रम रिकॉर्ड किया सत्रोज तक, वो रमाकांत भाई जी। सारा डाटा आपको चैनलों पर मिलेगा, देव वीडियो एसडी मुकेश शास्त्री लाया संगीत के सरताज, ये 3 चैनल हैं जो काफी पुराने चैनल हो चुके हैं, और श्याम सम्मान कर रहे मुद्राओं का। We'll be right back.
हमारे मुकेश भैया के परिवार जनों ने। और देखिए 501 रुपया श्री राहुल यादव सुपुत्र श्री सर्वेश कुमार यादव एडवोकेट, इनके द्वारा 501 रुपया अर्पण किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपया देवेंद्र सिंह यादव नगला अगर, और 101 रुपया माधव यादव हमारे शेषपाल सिंह भौरे जी के, और 101 रुपया विपिन कुमार राजपूत। बोलिए वृंदावन बिहारी राजपूत, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते कहते बकते बकते यहाँ पर बहुत कुछ निकल जाता है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ सभी से। और देखिए किसी से कुछ कोई 7 दिनों के अंदर कोई गलती बनी हो, मैं उसके लिए भी सभी से क्षमा चाहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हाँ, कल के बारे में विशेष सूचना देने के लिए जा रहा हूँ। कल बहुत विशाल भंडारा है, बहुत भाई बंधु ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो आज प्रमाण हेलो साक्षात आप लोगों के सामने है। देखिए जो हमारे मां साहब हैं मुकेश कुमार यादव यगपति जी, उनके साले साहब द्वारा अरे इतने होते हैं जाते कोई बात नहीं, उनकी बहन सुनीता द्वारा 10,000 रुपए भगवान की कथा में 10,000 रुपए अर्पण किया है। सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मुकेश कुमार के बहनोई साहब द्वारा और बहन द्वारा सुनीता जी द्वारा।